साल 2019 में मैटी रॉबर्ट नाम की एक शख्स अपने फेसबुक पोस्ट से दूसरे फेसबुक यूजर्स को नेवाडा में मौजूद यूएस एयरफोर्स का एक सीक्रेट बेस को एक साथ घुसपैठ करने के लिए एनकरेज करते हैं। ये वही मिलिट्री बेस था जिसे आज हम लोग एरिया 51 के नाम से जानते हैं और इसे एलियंस, यूएफओस और दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। मैटी द्वारा किया गया ये फेसबुक पोस्ट फौरन ही वायरल हो जाता है और इस मास इवेंट में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग एक साथ एरिया 51 जैसे सीक्रेट मिलिट्री बेस में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं ताकि वो एरिया 51 से जुड़ी मिस्ट्री को खोज निकाल सके कि आखिरकार गवर्नमेंट इस जगह पर आम जनता से क्या छुपा रही है। तो आखिरकार क्या है असली सच एरिया 51 का और क्यों एरिया 51 पर इतनी वीडियोस बनने के बावजूद भी ये जगह आज भी रहस्यों से भरी है। एरिया 51 एक्चुअली में यूएस के नेवाडा स्टेट में मौजूद एक मिलिट्री बेस है जिसे 1940s के पीरियड में एक मिलिट्री ट्रेनिंग और टेस्टिंग एरिया की तरह ही एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 1950s के टाइम पर जब सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर की वजह से CIA ने इस मिलिट्री बेस को अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि इस मिलिट्री बेस की लोकेशन डेजर्ट के बीच में थी और मुश्किल से ही इस बंजर रेगिस्तान के आसपास कोई आबादी रहती थी। इसके अलावा क्योंकि एरिया 51 के आसपास का एयर स्पेस भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया R4808N के अंडर आता है जिसका मतलब एरिया 51 के आसपास के एयर स्पेस में कोई भी दूसरा एयरप्लेन तक फ्लाई नहीं कर सकता। इसी वजह से CIA के लिए एरिया 51 काफी ज्यादा बेहतरीन बेस था अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। एरिया 51 एक्चुअली में वही जगह थी जहां पर इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के दौरान ही CIA ने U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे आधुनिक एयरप्लेन डिजाइन किए थे ताकि वो इस कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को अपनी टेक्नोलॉजी से पछाड़ सके। लेकिन साल 1989 में पहली बार जाकर एरिया 51 जैसे सीक्रेट बेस का सच पब्लिक के सामने रिवील तब हुआ जब बॉब लजार नाम के एक फिजिसिस्ट और विसल ब्लोवर ने ये क्लेम किया कि वो एरिया 51 में मौजूद S4 नाम की एक फैसिलिटी में काम करते हैं जहां उन्होंने इस फैसिलिटी में मौजूद 9 फ्लाइंग सॉसर जिनका ओरिजिन दूसरी दुनिया से है उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने जैसा काम किया था। बॉब लजार के इस क्लेम के बाद मानो एरिया 51 का सीक्रेट रातों रात आग की तरह फैल गया और हर कोई एरिया 51 से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज को लेकर सीरियस होने लगा। इसके अलावा लजार ने ये भी बताया कि जिन फ्लाइंग सॉसर्स पर उन्होंने काम किया था उसकी सीट्स बच्चों की साइज की थी जिसका मतलब वो फ्लाइंग सॉसर्स किसी उस एलियन की थी जिसका कद काफी छोटा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एरिया 51 में ये फ्लाइंग सॉसर आए कहां से? तो उसके लिए हमें जाना होगा ईयर 1947 के टाइम पर जब 7 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल नाम के एक लोकल रैंचर रॉजवेल के पुलिस को कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर अजीबोगरीब मलबा डिस्कवर किया है और पुलिस डिपार्टमेंट क्रैश साइट का जायजा लेने के बाद पास में मौजूद रूजवेल आर्मी बेस को कांटेक्ट करती है और आर्मी बेस फौरन ही उस मलबे को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उस मलबे पर कुछ रिसर्च के बाद प्रेस में ये स्टेटमेंट देती है कि उन्होंने रॉजवेल से फ्लाइंग सॉसर बरामद करी है जिसके बाद जाकर हर जगह इन यूएफओ से जुड़ी कहानियां फैलने लगती हैं। लेकिन रॉजवेल मिलिट्री के दिए स्टेटमेंट के 24 घंटे के अंदर ही मिलिट्री बेस यू टर्न लेता है और अपना स्टेटमेंट बदल देता है और ये बोलता है कि जो मलबा उन्होंने रिकवर किया था वो वेदर बलून का था ना कि यूएफओ का। लेकिन मिलिट्री बेस के स्टेटमेंट चेंज करने के बावजूद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये मलबा एक्चुअली में किसी वेदर बलून का है। इसीलिए साल 1978 में उस मिलिट्री बेस के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने ये क्लेम किया कि जो वेदर बलून वाली स्टोरी मिलिट्री बेस ने बताई थी वो असल में सच्चाई को कवर करने के लिए फैलाई गई थी और तो और मिलिट्री बेस ने यूएफओ के मलबे को वेदर बलून के मलबे से बदल भी दिया था जिसके बाद ही उस यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में ले जाया गया था।
ताकि उन यूएफओस पर सीक्रेट रिसर्च करी जा सके। इसके अलावा ये भी क्लेम किया जाता है कि U2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे इतने एडवांस फाइटर जेट्स को उन यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर करके ही बनाया गया था, ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजी से सोवियत यूनियन को टक्कर दे सके। इसीलिए 90s के पीरियड में बने ये प्लेन्स आज भी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट प्लेन में से एक है। और भले ही आज भी लोग एरिया 51 से जुड़ी स्टोरीज को एक कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हो, लेकिन हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये माना कि सच में वहाँ एरिया 51 नाम की जगह मौजूद है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटी ही है। इसके अलावा एरिया 51 के आसपास हमेशा से ही कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाएं होते देखी हैं, इसीलिए कंस्पिरेसी थ्योरीज के बीच एरिया 51 हमेशा से ही एक रहस्यमय जगह रही है। एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले लोगों ने वहां अजीबोगरीब लाइट को अक्सर उड़ते देखा है, जिसमें से एक काफी फेमस इवेंट था 1997 में हुआ द फीनिक्स लाइट्स, जिसमें निवाडा और एरिजोना के पास रात 7:30 से 10:30 के करीब काफी सारे लोगों ने अजीबोगरीब लाइट्स और यूएफओ जैसी चीजों को उड़ते देखा था। हालांकि इस इवेंट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस इवेंट का कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया, लेकिन काफी यूएस ऑफिशियल्स ने ये बोला कि ये लाइट्स रूटीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग की हो सकती हैं। अब आप लोग खुद ही ये वीडियो देखिए जो उस टाइम पर लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, और बताइए कि क्या ये लाइट्स किसी एयरप्लेन की हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि बॉब लाज़ार ही इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने एरिया 51 के एक्स एम्प्लॉय होने का क्लेम किया है, बल्कि डॉक्टर डैन ब्यूरिस्ट नाम के एक शख्स ने बॉब लाज़ार की तरह ही एरिया 51 के S4 फैसिलिटी में काम करने का क्लेम किया था। बल्कि सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर डैन ने यह भी क्लेम किया कि एरिया 51 के अंडर उनका इंटरैक्शन जे रोड नाम की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से भी हुआ था, जिनसे न सिर्फ डॉक्टर डैन ने बात करी थी बल्कि एक टाइम पर उनकी उस एलियन से दोस्ती भी हो गई थी। हालांकि डॉक्टर डैन कभी अपने इस क्लेम को प्रूफ तो नहीं कर पाए, लेकिन काफी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लाज़ार की तरह इनकी स्टोरी को भी सच मानते हैं। इन्हीं कंस्पिरेसी थ्योरीज और अफवाहों का सच पता लगाने के लिए कि आखिरकार यूएस गवर्नमेंट आम जनता से एरिया 51 के अंदर छुपा क्या रही है, 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने एरिया 51 को रेड करने का फैसला किया था। लेकिन भले ही मैटी रॉबर्ट ने ये पोस्ट सिर्फ एक मजाक की तरह ही किया था, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस ले लिया। इसी वजह से लोग इस इवेंट के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो गए कि लोग रोड पर उस इवेंट के लिए उतर आए। इसी वजह से एयरफोर्स के स्पोक पर्सन ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि कोई भी इलीगल अटेम्प्ट एरिया 51 को ट्रेसपास करने का हाईली डिस्करेज समझा जाएगा, और इसीलिए शायद एयरफोर्स ने लोगों को पहले से ही वार्न कर दिया था। लेकिन भले ही 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस मास इवेंट में एरिया 51 को रेड करने का फैसला किया हो, पर एक्चुअली में इवेंट वाले दिन सिर्फ 1650 लोगों के करीब ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और जिसमें से सिर्फ 150 लोग ही एरिया 51 के पास पहुंचे, और बाकी 1500 के करीब लोग पास के एरिया में हो रहे एक फेस्टिवल अटेंड करने चले गए। और इतनी कोशिशों के बाद भी कोई भी शख्स एरिया 51 को ट्रेसपास करने में कामयाब तक नहीं हुआ। और भले ही यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा से ही रॉसवेल इवेंट, फीनिक्स लाइट इवेंट से लेकर बॉब लाज़ार जैसे विसल ब्लोवर की बात को जनता से छुपाने की कोशिश करी हो, लेकिन दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 में आम जनता से एलियंस और दूसरी रहस्यमय चीजों को छुपा रही है। तो आपकी क्या राय है, कि एरिया 51 के अंदर कोई एलियन जैसी चीज मौजूद है जो सरकार हम आपसे छुपा रही है, या एरिया 51 एक मिलिट्री फैसिलिटी ही है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना।